हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे बिहार बोर्ड में जो है न्यू अपडेट आई है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा। पहले क्या होता था, अगर आपको जो है मैट्रिक या इंटर का जो सर्टिफिकेट है अगर खो गया है तो उसको निकालने के लिए जो है आपको जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बोर्ड पटना में जाना होता था, वहां आवेदन देना होता था, या अगर आपका जो है मार्कशीट में कोई करेक्शन करना होता था उसके लिए भी आवेदन आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बोर्ड में जाना होता था। मगर यहाँ पे न्यू अपडेट आई है कि संबंधित जिला के क्षेत्रीय जो कार्यालय है वहां से अब जो है आपका डुप्लीकेट जो है मार्कशीट निकलवा पाएंगे, या कोई भी करेक्शन आपको मैट्रिक के मार्कशीट सर्टिफिकेट एडमिट कार्ड किसी में भी अगर आपको करेक्शन करना है तो जो क्षेत्रीय कार्यालय यहाँ पे बना दी गई है अब डायरेक्टली जो है क्षेत्रीय कार्यालय से ही आपकी डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई सुधार करेक्शन करना है, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, वो सारी चीजें अब क्षेत्रीय कार्यालय से ही होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बोर्ड में आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो यही अपडेट है। तो यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे कि क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन सी जगह पे हैं और उनका एड्रेस क्या है, उनका दूरभाष संख्या क्या है, और क्या प्रोसेस करने पड़ेंगे अगर आप डुप्लीकेट जो है मार्कशीट सर्टिफिकेट या करेक्शन अपना डॉक्यूमेंट्स में करना चाहते हैं तो किस तरह से होगी, पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे कुछ फॉर्म यहाँ पे दी गई है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड एक एफिडेविट फॉर्मेट आपको बनाने होते हैं अगर आप डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट जो है निकलवाना चाहते हैं तो। इसके लिए एक एफिडेविट जो है यहाँ पे दी गई है, परफॉर्मा स्टैंडर्ड एफिडेविट फॉर्मेट फॉर इश्यूज ऑफ डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। अगर आप डुप्लीकेट निकालना चाहते हैं तो इस पे आपको नाम यहाँ पे मेंशन करना है, फादर नेम, यहाँ पे मदर नेम, अपना एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, थाना, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, और यहाँ पे आपका पास किए हैं, मैट्रिक पास किए हैं, इंटर पास किए हैं, कंडक्टेड बाई कहाँ है, बीएससीबी से, रोल नंबर यहाँ पे डालना है, रोल कोड डालना है, और कब पास किए हैं, आपका जो है फैकल्टी क्या है, साइंस है, आर्ट्स है, और यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स क्या निकालना चाहते हैं, मैट्रिक के मार्कशीट सर्टिफिकेट जो भी यहाँ पे पूरा फील होगा, यहाँ पे पैलेस डेट, सिग्नेचर ऑफ डिपेंडेंट का यहाँ पे होगा, सिग्नेचर ऑफ एडवोकेट का होगा, और यहाँ पे बीसीआई एनरोलमेंट नंबर, एओआर नंबर यहाँ पे मेंशन करके एफिडेविट आपको बनवाने होंगे अगर आप डुप्लीकेट मैट्रिक के मार्कशीट सर्टिफिकेट या इंटर के मार्कशीट या सर्टिफिकेट निकालना चाहते हैं तो। दूसरी फॉर्मेट यहाँ पे जो है एफिडेविट का है, अगर आप डॉक्यूमेंट्स में चाहे आपका मैट्रिक के मार्कशीट हो या इंटर के मार्कशीट हो या आपका मैट्रिक इंटर का जो है मार्कशीट सर्टिफिकेट किसी में भी आप करेक्शन करवाना चाहते हैं तो इस फॉर्मेट को आपको डाउनलोड करके एफिडेविट इस पे करवाना होगा। देखिए एफिडेविट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मजिस्ट्रेट का जो है जहाँ मजिस्ट्रेट बैठेंगे उसका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डाला जाएगा, डिस्ट्रिक्ट नेम, यहाँ पे नाम आपका हो जाएगा फादर नेम, यहाँ पे अपना विलेज, पोस्ट ऑफिस, थाना, डिस्ट्रिक्ट कोड यहाँ पे डाल देंगे, पिन कोड, यहाँ पे स्टेट डाला जाएगा, आई हैव पास्ड, आप मैट्रिक पास किए हैं, इंटरमीडिएट में आपका जो है करेक्शन कराना चाहते हैं क्या, मैं कराना चाहते हैं किस बोर्ड से है, और यहाँ पे स्कूल का नाम डालना है, यहाँ पे रोल कोड डाल देंगे, रोल नंबर, कब पास किए थे, यहाँ पे फैकल्टी डाल देना है, और यहाँ पे नेचर ऑफ करेक्शन यहाँ पे आपको डालना है कि क्या आप करेक्शन करना चाहते हैं, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट इंटर बाय माई डॉक्यूमेंट्स, प्रजेंटली जो इंटर्ड है उसका भी यहाँ पे डिटेल्स आप डालेंगे, करेक्शन रिक्वायर्ड टू बी डन इन माई डॉक्यूमेंट्स, क्या करेक्शन आप करना चाहते हैं यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। तो इस पे भी आपको जो है एफिडेविट बना लेना है अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स में तो। अब तीसरा यहाँ पे परफॉर्मा दी गई है, इसको भी आपको फिल करना होगा। देखिए यहाँ पे आवेदनकर्ता इस आवेदन पत्र को अपने प्रमंडलीय जिला मुख्यालय में अवस्थित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के क्षेत्रीय कार्यालय के काउंटर में जो है ये फॉर्म जो है आपको भर के जमा करना पड़ेगा। ये फॉर्म जो है डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट इशू करने के लिए है। अगर आप डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट जो है मैट्रिक का मार्कशीट या सर्टिफिकेट या इंटर के मार्कशीट या सर्टिफिकेट को निकालना चाहते हैं, डुप्लीकेट निकालना चाहते हैं डॉक्यूमेंट, तो इस फॉर्म को आपको पूरा फिल करना होगा और क्षेत्रीय कार्यालय में जो काउंटर होते हैं उस पर आपको जमा करने होते हैं, जिसमें आप मेंशन करेंगे परीक्षा का नाम, यहाँ पे आप देख सकते हैं परीक्षा का नाम डालना है, परीक्षा का वर्ष डालना है, रोल नंबर, रोल कोड और संकाय जो है वो यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे आपको क्या निकालना है
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं, मार्कशीट निकाल सकते हैं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कार्ड निकाल सकते हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको निकालना है उस पर टिक आपको मार्क कर देना है। यहाँ पे विद्यार्थी का नाम लिख देना है, ग्राम, पुलिस स्टेशन, पिन कोड, मोबाइल नंबर, यहाँ जो है स्टूडेंट का फादर नेम डाल देंगे, पोस्ट ऑफिस, जिला डाल देंगे, विद्यार्थी का हस्ताक्षर एवं डेट यहाँ पे मेंशन करना होगा। यहाँ पे आपको प्राचार्य प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर एवं मुहर भी आपको इस फॉर्म को प्रिंट आउट करके करवाना होगा। इस फॉर्म को प्रिंट आउट कर लेंगे, पूरी फॉर्म फिल करके जो आपके प्रधानाध्यापक हैं उनसे आपका यहाँ पे सिग्नेचर और मुहर लगवा लेना है। ये फॉर्म जो आपका हो गया डुप्लीकेट निकालने के लिए, अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, तो इस फॉर्म को आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। यहाँ पे परीक्षार्थी का नाम हो जाएगा, परीक्षा का वर्ष, रोल नंबर, रोल कोड, संकाय, और जो अभी आप करेक्शन करना चाहते हैं नाम में, फादर नेम में, माता के नाम में, जन्म तिथि में, जेंडर में, पंजीयन संख्या, विद्यालय में, फोटो में, जो भी है यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है। और जो भी आप यहाँ पे गलत विवरण है उसको यहाँ पे लिखेंगे, न्यू आप जो सुधार करना चाहते हैं उसको यहाँ पे मैं मेंशन कर देंगे, और यहाँ पे पूरी डिटेल जो है फिल कर लेंगे, विद्यार्थी का नाम, ग्राम, थाना, जो भी है डिटेल्स, यहाँ पे सारी डिटेल्स को फिल कर लेना है। यहाँ पे भी इसको प्रधानाध्यापक से जो है सिग्नेचर और मुहर लगवा लेना है। और जो एफिडेविट हमने बनाई, टोटल 4 फॉर्म है, एक आपका प्रोफॉर्मा हो जाएगा, एक एफिडेविट आपको बनाना होगा। बात कर लेते हैं हमें ये जो है जमा कहाँ करना है, तो देखिए यहाँ पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा यहाँ पे क्षेत्रीय कार्यालय और संबंधित जिला में जो है आपको आवेदन देना होता है। देखिए अगर आप क्षेत्रीय कार्यालय आपका पटना है तो पटना के अंतर्गत कौन कौन से जिला यहाँ पे आ जाएंगे, तो पटना आ जाएगा जिला, नालंदा जिला के निवासी हैं तो आपको इस एड्रेस पे जाना है, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर एवं झारखंड राज्य के लिए, तो इसके लिए आपको जाना है राजकीय बालक उच्च महाविद्यालय लाल बहादुर शास्त्री नगर पटना, यही आपका क्षेत्रीय कार्यालय का पूरा पता है और यहाँ पे दूरभाष संख्या भी दी गई है। अगर आप मगध के स्टूडेंट हैं तो मगध में आ जाता है जिला, गया जिला आ जाता है, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, अरवल, ये सब जो है इस जिलों के बाद जो स्टूडेंट है वो जाएंगे हरिदास सेमिनरी प्लस टू स्कूल कैंपस नियर सरकारी बस स्टैंड, थाना सिविल लेन, पोस्ट GPO गया, तो इस एड्रेस पे आपको जाना है। अगर आप डुप्लीकेट सर्टिफिकेट या जो है करेक्शन करवाना चाहते हैं अपने मैट्रिक इंटर के मार्कशीट सर्टिफिकेट में, तो इस एड्रेस पे जाना होगा, यहाँ पे कंटेक्ट नंबर भी दिया गया है। तो इसी तरह से यहाँ पे क्षेत्रीय जो जिला है पूरा यहाँ पे तिरहुत के लिए, सारण, दरभंगा, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया, दिल्ली, ये सब के लिए जो है आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। इस एड्रेस पे जाके जो है आप करेक्शन जो है करवा सकते हैं या डुप्लीकेट अपने मैट्रिक इंटर के मार्कशीट सर्टिफिकेट को डाउनलोड करवा सकते हैं। तो आपको डायरेक्टली जो है बोर्ड जाने की जरूरत नहीं है, अगर वहाँ आप जाते हैं तो वहाँ से आपका कोई भी डुप्लीकेट जो है सर्टिफिकेट या करेक्शन नहीं हो पाएगा। आपको क्षेत्रीय कार्यालय में जो है यहाँ पे जो दी गई है वहीं पे आपको जाना होगा, वहीं पे आपको आवेदन देना होगा, तभी आपका जो है डुप्लीकेट मार्कशीट को या करेक्शन आप सर्टिफिकेट में करवा सकते हैं। तो चारों का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जहां से आप पूरी डिटेल जो है यहाँ पे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट्स को डुप्लीकेट निकलवानी है या करेक्शन करवानी है तो आप क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन देके करवा सकते हैं। तो न्यू प्रोसेस था जो इस वीडियो में हमने कवर किए हैं, बताई हैं, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो हमेशा मिलती रहे। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।